चलिए जानते हैं आज दिन भर की टॉप 20 बड़ी हेडलाइंस को। भारत के T20 विश्व कप में जीत के बाद पीएम मोदी ने की टीम इंडिया के खिलाड़ियों से बात। ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। नीट पीजी एग्जाम डेट्स का ऐलान आज या कल में संभव हो सकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दावा। बता दें ये एक दिन पहले UGC नेट, CSIR नेट और NCET एग्जाम की डेट डिक्लेयर हुई थी। महाराष्ट्र में सिंधे सरकार के 2 साल पूरे होने पर शिवसेना सांसद संजय रावत ने कसा तंज। बोले कि ये सरकार बेईमानी और संविधान विरोधी। MP राजस्थान समेत आज 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं अरुणाचल प्रदेश में रेड अलर्ट। बता दें कि इस बार जून महीने में सामान्य से 14% कम हुई है बारिश। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 26 महीने तक आर्मी चीफ रहे। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेंदी ने संभाला पदभार। न्यायपालिका राजनीतिक पूर्वाग्रह से पूर्णतः मुक्त होनी चाहिए। बंगाल CM ममता बनर्जी का बड़ा बयान। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ बोले कि अदालतों को न्याय का मंदिर कहना गलत है, जज देवता नहीं है। वे फेल होने के बाद भी खुद को पास बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस परिवार। बोले कि हमें 100 में से 85 अंक की उम्मीद थी लेकिन हमें 75 अंक मिले हैं और कांग्रेसी हमें फेल कह रहे हैं। उन्हें सिर्फ 25 अंक मिले वो खुद को पास कह रहे हैं। भारत की T20 वर्ल्ड कप जीतने पर राजस्थान में आतिशबाजी और सड़क पर डांस कर मनाया जश्न। वहीं अयोध्या में रामलला के गर्भगृह में फहराया गया तिरंगा। इधर MP में दिवाली जैसा नजारा। तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे लोग, ढोल की थाप पर थिरके। सैन्य इतिहास में पहली बार 2 क्लासमेट होंगे प्रमुख। एडमिरल त्रिपाठी के बाद अब उपेंद्र त्रिवेदी ने संभाली आर्मी चीफ की कमान। बता दें कि दोनों 5वीं कक्षा से ही सहपाठी हैं। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 111वें एपिसोड को 4 महीने बाद किया टेलीकास्ट। बोले कि देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। राजस्थान में भोपाबाई का राज। राज्य में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का भजन लाल सरकार पर तंज। बोले कि मुख्यमंत्री मटके में ही यमुना का जल ला दें, वे मरा हुआ सांप गले में डालकर घूम रहे हैं। साल में 2 बार CBSE बोर्ड परीक्षा करवाने को मिली मंजूरी। इसी सत्र से लागू होंगी योजना। वहीं सेमेस्टर सिस्टम पर नहीं बनी बात। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की ओर बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। इस दौरान तिहाड़ जेल में रहेंगे। वहीं सुगर की दवाइयां, टेस्ट किट और घर का खाना भी ले सकेंगे। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों का दिमाग होता है कमजोर। डॉक्टर बोले कि मोबाइल और TV की लत भी एक नशा है, बन सकता है मनोरोग का कारण। राधा रानी पर विवादित बयान देने वाले प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर माफी मांगी। ब्रजवासी बोले कि राधा कृष्ण के बारे में जो कुछ भी गलत बोलेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। NDA बिहार CM नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा अपना अलग विधानसभा चुनाव। JDU महासचिव KC त्यागी का बड़ा दावा। T20 विश्व कप में जीत के बाद 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों रोहित और कोहली ने किया T20 से संन्यास का ऐलान। मनोज कुमार को बनाया गया UP का नया मुख्य सचिव। वहीं दुर्गा शंकर मिश्रा को नहीं मिला सेवा विस्तार। 2 वर्षों का इंतजार हुआ खत्म। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का कट सकता है पत्ता। CM बनने के सवाल पर DK शिवकुमार बोले कि पार्टी आला कमान मेरे काम के आधार पर फैसला करेगा। अमेरिका में जो बाइडेन पर बनाए जा रहा राष्ट्रपति चुनाव की रेस में हटने का दबाव। अटलांटा में ट्रंप से बहस के बाद लोग लगातार उठा रहे मांग।